है स्टिच ब्लाउज के साथ एंड उसका फ्रंट स्टिच ब्लाउज के साथ। करंटली इसमें ग्रीन कलर की हैंडवर्क साड़ी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टाइलिंग विद नेहा में। गाइज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए अमेजिंग सा मीशो साड़ी कलेक्शन लेकर। और मीशो पे फिर से सेल स्टार्ट होने वाली है, महा दिवाली सेल। ये स्टार्ट हो जाएगी 16 अक्टूबर से, जिसमें आपको मिलने वाला है अप टू 80% ऑफ। सो गाइज ये लास्ट चांस है दिवाली शॉप करने के लिए, एंड बहुत अमेजिंग सा आज का कलेक्शन भी होने वाला है, जिसमें आपको साड़ी विद स्टिच ब्लाउज मिल जाएगा। सो अगर आप एंड मोमेंट पे भी साड़ी को ऑर्डर करेंगे ना, तो आप करवा चौथ दिवाली पे पहन पाएंगे, क्योंकि आपको स्टिच ब्लाउज मिल जाएगा, स्टिचिंग के पैसे भी बच जाएंगे और साड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जितनी भी साड़ी मुझे मिली है ना विद स्टिच ब्लाउज, सबके लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो पास में है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी अफोर्डेबल फाइंड मिस नहीं करेंगे। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये साड़ी मुझे मिली है स्टिच ब्लाउज के साथ, एंड ब्लाउज की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है। सो पहले हम देख लेते हैं साड़ी को। साड़ी हमें कुछ इस तरीके से मिल जाएगी। सिंगल ही इसमें कलर मुझे मिला था, पर्पल कलर है। एंड साड़ी पे जो फैब्रिक मेंशन है वो ऑर्गेंजा है, लेकिन मुझे ना इसका फैब्रिक बहुत अच्छा सॉफ्ट सा लग रहा है। ऑर्गेंजा फैब्रिक तो ऑब्वियसली बातें नहीं है, सो डिस्क्रिप्शन में मत जाइएगा। पहले मैं आपको ना साड़ी का पल्लू दिखा रही हूँ। देखिए पल्लू के दोनों साइड ना आपको कुछ इस तरीके से लटकन मिल जाते हैं, और ये सुंदर सा आपको इस पे बॉर्डर मिल जाएगा, जिस पे आपको जरी और सीक्वेंस का वर्क मिलने वाला है। ऑल ओवर ना आपको सिर्फ ये बॉर्डर मिलने वाली है। सिंपल सी साड़ी है, बॉर्डर के साथ आपको ये साड़ी मिलेगी, पूरा ही डिजाइनर लुक आने वाला है। ये मैं आपको पल्लू दिखा रही हूँ। देखिए पल्लू यहाँ तक हमें मिल जाएगा, देन उसके बाद ये प्लीट्स वाला एरिया है, जिसमें अगेन आपको नीचे नीचे लेस मिलने वाली है। लेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप लेस का वर्क देख सकते हैं, बहुत सुंदर सा आपको नीट फिनिशिंग से सीक्वेंस जरी का वर्क मिल जाएगा। बैक से ये कुछ ऐसे दिखने वाली है, बाकी आपको पूरी साड़ी पे लेस मिलने वाली है। लेंथ एंड विथ में साड़ी परफेक्ट है। मेरी हाइट 5'3" है, मुझे कहीं से भी नहीं लगा था कि इसकी लेंथ कम है या विथ कम है, प्रॉपर है इसकी लेंथ एंड विथ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये देखिए एंडिंग तक आपको ये लेस मिल जाएगी। केवल इतना सा फैब्रिक है जो आपको प्लेन मिलने वाला है, बाकी आपको पूरी साड़ी पे ये लेस मिलने वाली है। सो कुछ साड़ी से ऐसी हो जाती है ना जिसमें लेस बहुत कम एरिया तक होती है, तो फिर वो आप जब प्लीट्स लेते हैं ना तो वो आगे तक नहीं आती और फिर बहुत गंदा सा लुक आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक आपको लेस मिल जाएगी, सिर्फ इतना सा फैब्रिक प्लेन आएगा। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। गाइज ब्लाउज ही से इसका सारा लुक है, और ब्लाउज तो इतनी अमेजिंग क्वालिटी में स्टिच हुआ है ना, मतलब हमेशा मुझे ना कहीं इशू आ जाता है जब भी स्टिच ब्लाउज लेते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इशू आता है, लेकिन इस ब्लाउज के साथ मुझे कोई भी इशू नजर नहीं आ रहा था। क्वालिटी बहुत अच्छी है फैब्रिक की, कप्स लगे हुए मिल जाएंगे, एंड 3/4 स्लीव से बहुत ज़्यादा हैवी सा आपको वर्क मिलने वाला है ब्लाउज पे। और मुझे ऐसा नहीं पता था कि इसके साथ स्टिच ब्लाउज भी मिलने वाला है, सो ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ हो गई थी कि साड़ी के साथ हमें स्टिच ब्लाउज मिल रहा है। लेंथ भी अच्छी है, कुछ ब्लाउजेस होते हैं ना जिनकी यहाँ की जो लेंथ होती है वो कम होती है, लेकिन इसकी लेंथ बहुत अच्छी है। सो अगर आपके पास स्कर्ट है ना इस टाइप का, तो आप उसके साथ भी इसे पहन सकते हैं लहंगा बना के। तो ब्लाउज आप साड़ी के साथ लहंगा के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, बैक से ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसके साथ ना हमें ये डोरी और टेसल्स मिल जाएंगे। ब्लाउज में ना हुक डिटेलिंग नहीं मिलती, साइड में हमें मिल जाएगा जिप डिटेलिंग, जिससे आप इजिली इसे वेयर कर सकते हैं। ये देखिए ईजिली इसे वेयर कर सकते हैं। साथ में लाइनिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, कप्स लगे हुए हैं और कप्स की क्वालिटी भी अच्छी है। ऐसा नहीं है मैं मैक्सिमम कप्स निकाल देती हूँ, ब्लाउजेस के रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि उनकी फिटिंग वगैरह अजीब सी लगती है, बट इसकी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये ब्लाउज लूज था, दैट मीन 38 साइज तक के लोग इस साड़ी को पिक कर सकते हैं, उन्हें ये ब्लाउज फिट हो जाएगा। उससे ज़्यादा के लिए ये ब्लाउज परफेक्ट नहीं होने वाला, दैट मीन ये साड़ी वो नहीं पिक कर सकते। ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इस साड़ी विद स्टिच ब्लाउज को हाईली रिकमेंड करती हूँ। चलो जो नेक्स्ट साड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, ये आपको मिल जाएगी ऑर्गेंजा फैब्रिक में, एंड ये एक्चुअल में ऑर्गेंजा ही है। डिस्क्रिप्शन में भी ऑर्गेंजा था और मुझे रिसीव भी ऑर्गेंजा ही हुआ है। पूरी साड़ी आपको फ्लोरल प्रिंट में मिल जाएगी, एंड साइड में आपको ये सीक्वेंस जरी का ब्रॉड सा बॉर्डर मिल जाता है। साड़ी बड़ी ही सुंदर लगने वाली है, प्रॉपर नेवी जो ब्लू कलर होता है ना वो आपको मिलने वाला है। मैं आपको पहले इसका पल्लू दिखा रही हूँ, आप इसका बॉर्डर देखिए, कुछ इस तरीके से आपको पूरा सीक्वेंस जरी का बॉर्डर मिलने वाला है। पास से भी आप बॉर्डर देख सकते हैं, बैक से ये कुछ ऐसा दिखेगा, फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा आने वाला है। साड़ी आपको पूरी फ्लोरल प्रिंट में मिल जाएगी। ये साड़ी का पल्लू है, यहाँ से हमारा पल्लू स्टार्ट होने वाला है, देन इसके बाद ये टकिन वाला एरिया है। नीचे नीचे आपको प्लीट्स मिल जाएगी, इसकी लेंथ एंड विथ भी परफेक्ट है। पूरी साड़ी पे आपको नीचे की साइड में ये लेस लगी हुई मिलने वाली है,
यहाँ तक देखिए, इसमें भी आपको बहुत कम फैब्रिक है जो मिल रहा है जिसपे लेस नहीं है। ये वैसे भी अंदर टकी में चला जाएगा, ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होने वाला है। सो मैं इस साड़ी को भी हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा लेती हूँ। देखिए साड़ी तो बहुत हैवी है, बॉर्डर के साथ साड़ी का लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ब्लाउज हमें मिल जाता है 8 सिल्क फैब्रिक का, एंड इस पर भी आपको अच्छा खासा वर्क मिलेगा। पहले मैं आपको इसके स्लीव्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये दोनों स्लीव्स हैं जो आपको बढ़िया सीक्वेंस जरी के वर्क के साथ मिल जाएगी, और उसके साथ ही हमें ना ब्लाउज का फ्रंट भी मिल जाता है, जो अगेन आप देख सकते हैं इस पर वर्क मिलने वाला है। प्लेन एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें थोड़ा यहाँ मिल जाएगा, जिससे हम ब्लाउज का बैक निकला सकते हैं। साड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है। इसके लिए मैंने पे किए थे 1200 रुपये। एक्चुअली है ना, मैंने सेल टाइम पे इसे ऑर्डर किया था, तो थोड़ा बहुत प्राइसेस में चेंजेस आ सकता है। अभी इसका प्राइस हो चुका है 1224 रुपये। सो अगर आपको ये साड़ी पसंद आए तो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं। हॉल की नेक्स्ट साइड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना गाइस, इसका फैब्रिक होने वाला है नेट। इसके लिए मैंने पे किए हैं 1380 रुपये। देखिए मैं आपको एक्चुअल प्राइस बता रही हूँ, जो अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है ना। इस साड़ी को जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था ना गाइस, इतनी ज़्यादा रील वायरल हुई थी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिख जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, अभी सेल टाइम स्टार्ट हो जाएगी, मैं डेली रील्स अपलोड करूंगी, तो बहुत सारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। सो ये देखिए, पहले तो मैं आपको इसका पल्लू दिखाती हूँ। साड़ी बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। कलर बेबी पिंक आपको मिल जाएगा, सो गर्ल्स भी पहन सकती है, कोई भी एज ग्रुप का इस साड़ी को पहन सकता है। ये इसका पल्लू है, पल्लू पे आपको ना कुछ इस तरीके से लटकन मिल जाएंगे। इस लटकन से ना साड़ी का लुक और ज़्यादा अच्छा आ जाता है, और साथ में आपको ये सीक्वेंस वाला बॉर्डर मिल जाता है। पूरी साड़ी पे आपको सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है। मैं आपको ना पल्लू दिखा रही हूँ, ये देखिए ऐसा लटकन मिलेगी, साथ में ये सीक्वेंस वाला बॉर्डर मिल जाएगा। साड़ी का साइड में आप जब ट्राई ऑन देखेंगे ना, आपको खुद पता चलेगा कि साड़ी कितनी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। एंड इसके जो सीक्वेंस है ना, वो आप देख सकते हैं, थोड़े से ना मल्टी कलर शाइन कर रहे हैं। फैब्रिक नेट है, तो आप इसका जो एक्चुअल कलर है ना, उसी का शेपवेयर या पेटीकोट पहनिएगा। सैटन का भी पहन सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और शाइनी सा लुक आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा मैट फिनिश में चाहिए, तो आप एग्जैक्ट जो कलर होता है ना, उसी में शेपवेयर या पेटीकोट पहनिएगा। अदरवाइज है ना, थोड़ा सा भी अगर कलर डार्क या लाइट होगा ना, तो बिल्कुल इसमें विजिबल होने वाला है, क्योंकि ये नेट फैब्रिक की साड़ी है। ये यहाँ तक हमारा पल्लू रह जाएगा, देन फिर ये टक इन वाला एरिया, हाफ एंड हाफ साड़ी मिलेगी। ये देखिए, पल्लू पे हमें हैवी वर्क मिलेगा, और जो प्लीट्स वाला है ना, उस पर आपको नीचे नीचे ये वर्क मिलने वाला है। सीक्वेंस वाला ही पूरा बॉर्डर मिल जाएगा, यहाँ तक हमें ये वर्क मिल जाता है सीक्वेंस का। बैक से साड़ी ऐसी दिखेगी, फ्रंट से सीक्वेंस अच्छे खासे शाइन करने वाले हैं। देन उसके बाद इतना फैब्रिक आपको प्लेन मिलने वाला है, यहाँ तक हमें वर्क मिल जाएगा। लेकिन देखिए ना, ये साड़ी थोड़ी लॉन्ग है, सो आगे तक आपको ऐसा प्लेन वाला जो फैब्रिक है वो नहीं आएगा, विजिबल नहीं होगा। ये सीक्वेंस दिखने वाले आगे, तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है कि खराब सा लुक आएगा इसका। इसके साथ जो ब्लाउज मिलता है ना, ब्लाउज तो और भी ज़्यादा सुंदर है, और जब ब्लाउज स्टिच हो जाएगा ना, तो साड़ी का लुक एकदम निखर के आने वाला है। साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने इसका ऑलरेडी ट्राई ऑन कर चुकी हूँ, रील भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोग इसे बाय कर चुके हैं। लेकिन अभी ये स्टॉक में वापस आ गई है, सो जिसे भी पसंद आ रही है ना, जल्दी बाय कर लीजिएगा। ये देखिए, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना सीक्वेंस वाले दोनों डिज़ाइंस, ये स्लीव्स के लिए हैं, दोनों स्लीव्स के लिए डिज़ाइन है। आप फोर स्लीव्स बना सकते हैं इसमें, और फिर उसके बाद है ना ब्लाउज का ये फ्रंट है। ये देखिए, ब्लाउज का फ्रंट आपको मिल जाएगा सीक्वेंस वाला, ब्लाउज का जो बैक है वो भी मिल जाएगा सीक्वेंस वाला, और साइड में जैसे पल्लू पे आपको ये टेसल्स मिल रहे हैं ना, वैसे आपको स्लीव्स पे लगाने को भी मिल जाएंगे। सो जब ब्लाउज स्टिच हो जाएगा ना, तो साड़ी और ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। 1380 रुपये के अकॉर्डिंग क्वालिटी वर्थ है, आप डेफिनेटली इस साड़ी को बाय कर सकते हैं अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है। हॉल की जो नेक्स्ट साड़ी है, वो आपको मैं दिखाने वाली हूँ जॉर्जेट फैब्रिक में। और गाइज, ये वाली साड़ी ना रिक्वेस्टेड साड़ी है। इंस्टाग्राम पे आई थिंक किसी फॉलोवर ने मुझे इसका लिंक शेयर किया था कि आप इस साड़ी का रिव्यू करिए। जॉर्जेट फैब्रिक की साड़ी है, एंड पूरे पे आपको है ना वाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी प्लस सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है। साड़ी बड़ी ही सुंदर लगती है। एक्चुअल में ना जो इसका फैब्रिक है ना, शाइनी भी है, थोड़ा सा जिमी जू फैब्रिक का टच मिल जाएगा आपको इसमें, और साड़ी बड़ी ही सुंदर लगती है, क्योंकि इस पर आपको है ना कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट मिलेगा। रेड कलर, रेड मरून कलर में ये साड़ी मिल जाएगी, और साइड में ना आपको ये वाला कट वर्क मिलेगा, जिस पे आपको सीक्वेंस और वाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। लुक बहुत अच्छा आता है इस साड़ी को पहनने के बाद। ये मैं आपको पल्लू दिखा रही हूँ, पल्लू के तीनों साइड आपको ऐसा पैटर्न मिल जाएगा।
और साथ में ना बीच बीच में आप देख सकते हैं इस तरीके से बूटी भी बनी हुई है। पल्लू यहाँ तक रहने वाला है हमारा, देन उसके बाद ये है हमारा प्लीट्स वाला एरिया। हाफ एंड हाफ साड़ी मिलेगी, नीचे के साइड अगेन ये कट वर्क मिल जाएगा। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है, बैक से ये ऐसा दिखने वाले हैं, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करते हैं एंड साड़ी बहुत सुंदर लगती है। साइड में आप मेरा ट्राय ऑन देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने पे किए थे 880 रुपए। करंटली ये वाला डिज़ाइन तो देखिए आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, लेकिन इसी के सिमिलर डिज़ाइन है जो मैंने ढूंढ निकाले हैं, सो वो आपको मिल जाएंगे 680 रुपए में। सो वो भी आप पिक कर सकते हैं, वो भी आपको जॉर्जेट फैब्रिक पर मिल जाएगा। जो ये वर्क है ना उसका डिज़ाइन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, अगर वो स्टॉक इन हो तो आप बाय कर लीजिएगा। अगर ये स्टॉक आउट हो चुकी होगी ना तो मैं जो सिमिलर साड़ीज है ना उनका लिंक डाल दूंगी। देखिए यहाँ तक आपको ये वर्क मिलेगा, देन उसके बाद इतना सा फैब्रिक है जो आपको प्लेन मिलने वाला है, वैसे भी अंदर चला जाएगा टकिन में। ब्लाउज का फैब्रिक, इस पर भी आपको वाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क मिल जाएगा, थोड़ा सा ऐसा लेस वाली डिटेल मिलती है, बीच बीच में आपको बूटियाँ मिल जाएंगी। सिमिलर जॉर्जेट फैब्रिक का आपको साड़ी मिल जाएगी और ब्लाउज का फैब्रिक भी मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से शाइन करने वाला है इसका फैब्रिक, क्वालिटी बहुत अच्छी है। 880 रुपीज के अकॉर्डिंग तो टॉप नॉच क्वालिटी की है साड़ी, आप डेफिनेटली से बाय करें। ये है हमारी नेक्स्ट साड़ी जो मुझे मिली है स्टिच ब्लाउज के साथ। करंटली इसमें ना 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। फैब्रिक है इसका शिमर, पहले मैं आपको ना साड़ी दिखा देती हूँ उसके बाद मैं आपको ब्लाउज दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सा आपको इसमें डिटेल मिलने वाला है, ये देखिए कुछ इस तरीके से ना कट वर्क मिलेगा और साइड में ये फ्लावर्स बने हुए हैं और फ्लावर के ऊपर आपको स्टोन डिटेल मिलने वाली है। ये साड़ी का पल्लू है, ये देखिए कुछ इस तरीके से पल्लू आने वाला है, फ्लावर कट वर्क मिलने वाला है इसमें आपको। यहाँ से हमारा पल्लू स्टार्ट होता है, देन ये टकिन वाला एरिया है। साड़ी आपको सिंपल मिलने वाली है, जो ये फ्लावर वाला और कट वर्क स्टोन है ये आपको मिल जाएगा। साड़ी का फैब्रिक आपको शिमर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं शाइनी भी है फैब्रिक, और जो ये स्टोन लगे हुए हैं ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहे हैं। सो जो भी सोच रहा है ना कि ये स्टोन निकल जाएंगे, गाइस नहीं निकलने वाले, डोंट वरी, आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हैं। अभी इसमें 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं अभी आपको ब्लू कलर दिखा रही हूँ, इसमें आपको है ना पर्पल कलर मिल जाएगा, मरून कलर मिल जाएगा और साथ में ग्रीन कलर भी मिल जाएगा। एक कलर है जो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, आई डोंट नो कौन सा कलर था, बट टोटल 5 कलर ऑप्शन थे जब मैंने इसे ऑर्डर किया था। बहुत जल्दी है ना साड़ी विद स्टिच ब्लाउज आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है मीशो से, तो अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही है ना तो आप बिल्कुल भी वेट मत करिएगा और इस साड़ी को बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आपको साड़ी के साथ साथ ब्लाउज भी स्टिच मिलने वाला है। इसके लिए मैंने पे किए थे 1230 रुपये। 1230 रुपये में आपको साड़ी भी मिल रही है, साथ में स्टिच ब्लाउज भी मिल रहा है। सो आप डेफिनेटली साड़ी को बाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमें ये डिज़ाइन मिलता है, सिर्फ इतना सा फैब्रिक है जो प्लेन मिलने वाला है, तो आप डेफिनेटली इस साड़ी को बाय कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रंट में हमें ऐसा कुछ नेक पे स्टोन वर्क मिल जाएगा, स्लीव्स ट्रांसपेरेंट मिलती है और इस पर भी आपको स्टोन वर्क मिलने वाला है जो कट वर्क है स्टोन के साथ। फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है, बैक से ये ऐसा लगने वाला है। इसमें आपको ना कप्स लगे हुए मिल जाएंगे, कप्स लगे हुए हैं, हुक डिटेलिंग हमें ना ब्लाउज के बैक पे मिल जाती है, डोरी लटकन भी मिल जाएगा। ये ब्लाउज ना आई थिंक 36 साइज तक के लिए परफेक्ट है, मुझे हल्का सा लूज था, सो 36 साइज तक के लोग इस साड़ी विद स्टिच ब्लाउज को पिक कर सकते हैं, बट अगर आप उससे ज़्यादा हैवी बस्टेड है ना तो डेफिनेटली आपको ब्लाउज फिट नहीं होने वाला, सो 36 साइज तक के लिए परफेक्ट होने वाला है। बट गाइज अगर आप 36 साइज प्रीफर करते हैं ना देन डेफिनेटली आप इस साड़ी को बाय कर लीजिएगा, अभी आपको 4 कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम की मोस्ट ट्रेंडिंग एंड वायरल साड़ी दिखाने वाली हूँ। देखिए इसी का येलो कलर मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, बट मुझे ये नियॉन ग्रीन कलर ट्राई करना था जो कलर बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड कर रहा था। ब्लाउज तो हमें सिंपल ही मिल जाता है इसमें, आर्ट सिल्क फैब्रिक का ब्लाउज पे आपको कोई भी ऐसा वर्क नहीं मिलने वाला। जब मैंने वो येलो कलर इस साड़ी में पिक किया था ना वो मुझे 1224 रुपये का पड़ा था, तो मैंने सब लोगों को रिकमेंड किया था गाइज आप खुद से कस्टमाइज करा दे लेंगे ना तो आपको थोड़ा कम में पड़ेगा, बट अभी ये साड़ी का प्राइस बहुत कम हो चुका है। कुछ सेलर इसे 680 में सेल कर रहे हैं, कुछ 800 में, कुछ 900 में, कुछ 1000 में, मतलब 1000 तक में ही आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे जो ये वाली साड़ी सेल कर रहे हैं मीशो पे। सो अब इस साड़ी को आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो रेंज है वो 600-800 इसके लिए वर्थ है। अगर हम कस्टमाइज करेंगे तो ऑब्वियसली 700-800 तो लगने ही वाले हैं। सो आप अब इस साड़ी को ले सकते हो, क्योंकि अब इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो चुका है और एक्चुअल जो नियॉन ग्रीन कलर है ना वो भी आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इसका ये वाला कलर भी पिक कर लिया मीशो से आप लोगों को दिखाने के लिए। ये देखिए सिमिलर जैसी येलो साड़ी थी वैसे ही आपको ये भी मिल जाएगा। पल्लू पे आपको ये टेसल वाला डिटेल मिलता है जिससे साड़ी का पूरा ही लुक आता है, और साइड में आपको ये नियॉन पिंक कलर वाली लेस मिल जाएगी। ये पल्लू है, पल्लू
की लेस हमें यहाँ तक मिलती है। फिर ये प्लीट्स वाला एरिया है, जॉर्जेट फैब्रिक है, जो दानेदार फैब्रिक होता है ना जॉर्जेट का, वो आपको मिल जाएगा। पूरी साड़ी पे आपको लेस डिटेलिंग और टेसर्स वाला वर्क मिलता है। यहाँ तक हमें डिटेल मिल जाएगी। देन उसके बाद समथिंग इतना सा फैब्रिक है, 1.25 मीटर का, जो आपको प्लेन मिल जाता है। इसको अगर आप थोड़ा सा हैवी लुक देना चाहते हैं ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप वेलवेट जो पिंक होता है वैसा ब्लाउज स्टिच करवा लो, वर्क वाला ब्लाउज स्टिच करवा लो, तो थोड़ा सा हैवी लुक आ जाएगा। क्योंकि इसके साथ हमें जो ब्लाउज मिलता है वो सिंपल प्लेन है, बिल्कुल इसमें आपको कुछ भी डिज़ाइन वगैरह नहीं मिलते। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, इसे थोड़ा सा ना डिज़ाइनर लुक में स्टिच करवा लीजिए अपने टेलर से, तो साड़ी और ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके लिए मैंने पे किए थे 800 रुपीज़, एंड सेलर, जैसे मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस में से सेल करें, तो सबके लिंक मैं डाल दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा आप जिस भी सेलर से बाय करना चाहते हैं, क्योंकि सब सेलर के रिव्यू भी हैं, कोई भी टेंशन नहीं है, आप आराम से बाय कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक हैंडवर्क की साड़ी शेयर करने वाली हूँ। गाइस, इस टाइप की साड़ी मीशो पे आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, लेकिन वो बहुत टाइम तक नहीं रहती, बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। सो मैंने बाय कर ली है ये ग्रीन कलर की हैंडवर्क साड़ी। आई थिंक इसी का मैंने मरून कलर भी बाय किया है, पिंक कलर भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जो पिंक कलर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना हैंडवर्क साड़ी का, वो नेट फैब्रिक पे थी, टिश्यू नेट फैब्रिक पे थी। ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक पे मिल जाएगी, एंड इस पे आपको बहुत सुंदर सा हैंडवर्क मिलने वाला है। पहले तो आप इसका पल्लू देख लीजिए, पल्लू आपको बड़ा ही सुंदर कट वर्क में मिल जाएगा, एंड इस पे आपको प्रॉपर कट दाने का वर्क मिलने वाला है, और ये हैंडवर्क है। आप इसका पल्लू देखिए, कुछ इस तरीके से आपको इसका पल्लू मिलने वाला है, और बीच बीच में ना आपको ऐसे स्टोन जैसे लगे हुए मिल जाएंगे सिल्वर कलर में, और ये सिल्वर ही वर्क मिलने वाला है। जो कट दाने का वर्क है ये आपको सिल्वर पे मिलेगा, और ग्रीन कलर के साथ ये बहुत अच्छा उठ के आ रहा है। पल्लू पूरा ही आपको हैवी मिल जाएगा, ये देखिए यहाँ तक हमारा पल्लू रहने वाला है। देन उसके बाद ये टकिन वाला एरिया है, हाफ एंड हाफ साड़ी मिल जाएगी। ये देखिए ये बॉर्डर कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, बहुत सुंदर सा आपको बॉर्डर मिलने वाला है। फैब्रिक बहुत अच्छा है, दानेदार जॉर्जेट फैब्रिक होता है ना, वैसे ही आपको ये मिल जाएगा। फ्रंट से साड़ी का लुक कुछ ऐसा आता है, एंड बैक से ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ तक हमें इस पे वर्क मिल जाएगा, फिर समथिंग आधा मीटर भी नहीं है, क्योंकि ये ब्लाउज का फैब्रिक भी साथ में ही अटैच है, सो आपको प्लेन फैब्रिक नहीं मिलता, एंडिंग तक आपको वर्क मिलने वाला है। जो ब्लाउज की स्लीव्स है ना, दोनों पे आपको वर्क मिल जाएगा, ब्लाउज का फ्रंट भी वर्क के साथ मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बैक के लिए चाहिए वो आपको यहीं से निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पे किए थे 1280 रुपये, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर ये साड़ी स्टॉक में होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर कोड मेंशन करूंगी। हॉल की सबसे लास्ट और ब्यूटीफुल साड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। गाइज, ये आपको मिल जाएगी लैवेंडर कलर में, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी मिलने वाली है। इसका फैब्रिक आपको मिलेगा जॉर्जेट, एंड पूरी साड़ी पे आपको वाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ ना सीक्वेंस भी लगे हुए मिलने वाले। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंथ विथ में साड़ी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अगर आपकी हाइट 5'7" भी है ना, तो भी आप इस साड़ी को बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और विथ बहुत अच्छी है। ब्लाउज भी आपको 2 मीटर का मिलने वाला है, दैट मीन बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। इसके लिए मैंने पे किए थे 1830 रुपये, लेकिन क्वालिटी वर्थ है गाइस। 1830 रुपये के अकॉर्डिंग तो साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। पहले मैं आपको पल्लू दिखा रही हूँ, साड़ी का पल्लू दिखाने वाली हूँ। फैब्रिक इसका आपको मिल जाएगा जॉर्जेट, एंड जो चिकना वाला जॉर्जेट होता है ना, वैसा आपको मिलने वाला है। ये पूरा पल्लू का लुक है। एक साइड की जो बॉर्डर है वो ना आपको थोड़ी पतली मिलेगी, और ये साइड हमें कुछ ऐसा ब्रॉड सा वर्क मिलेगा, और यहाँ वाली जो बॉर्डर है वो भी आपको ब्रॉड मिल जाएगी। बहुत हैवी सा लुक आने वाला है। 1800 के अकॉर्डिंग क्वालिटी भी उतनी हमें मिल रही है, और कलर साथ में जो एम्ब्रॉयडरी है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाली। कोई भी एज ग्रुप का इंसान इस साड़ी को पहन सकता है, कोई गर्ल भी चाहे तो पहन सकती है। बहुत मिनिमल सा लुक आने वाला है, और वर्क आपको बहुत भर भर के मिलने वाला है। ये देखिए, हैवी वर्क की साड़ी है, लेकिन आपका लुक इतना ज़्यादा हैवी सा नहीं लेगा, क्योंकि इस पर आपको वाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ सीक्वेंस लगे हुए मिलने वाले हैं। ऊपर की जो बॉर्डर है वो मैंने आपको बता दिया है कि कुछ ऐसे मिलने वाली है। यहाँ तक हमारा पल्लू रहेगा, और उसके बाद ये है हमारा प्लीट्स वाला एरिया। हाफ एंड हाफ वर्क मिलेगा, ऊपर की साड़ी प्लेन मिलेगी, नीचे की साड़ी पे आपको अच्छा खासा वर्क मिल जाएगा। बहुत हैवी से वर्क के साथ आपको ये पूरी साड़ी मिलने वाली है, एंड इस पे ना लैवेंडर कलर मेंशन है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क सा लैवेंडर कलर है। ये आपको ना पेस्टल लाइलैक कलर होता है ना, वैसा मिल जाएगा। और वर्क पास से देखिए, कुछ ऐसा वर्क है, बैक से ये ऐसा दिखने वाला है, बिल्कुल भी आपको नहीं चुभेगा, और भर भर के इसमें आपको वर्क मिलने वाला है। हाफ एंड हाफ साड़ी मिलेगी, ये देखिए। सिर्फ इतना फैब्रिक है जो आपको प्लेन मिल जाता है जॉर्जेट का, बाकी आपको पूरी साड़ी पे भर के वर्क मिलने वाला है।
1830 रुपए के अकॉर्डिंग तो आप डेफिनेटली साड़ी को बाय कर सकते हैं। कलर ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, सिंगल कलर में आपको ये साड़ी मिलेगी। अब मैं आपको ब्लाउज दिखा देती हूँ। गाइस ब्लाउज इतना लॉन्ग मिलने वाला है मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि 1 मीटर मैक्सिमम होता है ब्लाउज के लिए, लेकिन यहाँ आपको 1 मीटर से ज्यादा, आई थिंक 1.5 मीटर से भी थोड़ा ज्यादा ही है इसका फैब्रिक। और यह ना आपको थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर पे मिल जाएगा, और पूरे ही ब्लाउज पे आपको व्हाइट थ्रेड एम्ब्रॉयडरी के साथ सीक्वेंस वर्क मिलने वाला है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़े से एरिया में, पूरे ही ब्लाउज पे आपको ये वर्क मिलने वाला है। ब्लाउज का फ्रंट ऐसा है, बैक ऐसा मिलेगा। सो मैं इस साड़ी को हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ। अभी स्टॉक में भी है तो जल्दी से बाय कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये साड़ी मिल जाए, अदरवाइज बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। ये था मेरा आज का मीशो साड़ी हॉल। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सी साड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, या फिर आप कोई न्यू कलेक्शन देखना चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, तो आप उसका लिंक या कोड भी कमेंट कर सकते हैं। मैं जरूर अपने नेक्स्ट वीडियो में उस प्रोडक्ट को इंक्लूड करूंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।